नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। शादीपुर गांव बागोपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर जल जमाव होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक का इस ओर ध्यान ही नहीं है। खानपुर ब्लॉक के शादीपुर पंचायत में मुख्य सड़क बाघोपुर से समस्तीपुर जाने वाली सड़क पर जल जमाव होने के कारण आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जी आते हैं, शिलान्यास करके चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। यह हमेशा पानी लगा रहता है, जिससे आने जाने वाले गिरते पड़ते अपने मंजिल को आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान को हम लोगों ने बताया था, पर कुछ नहीं हुआ। वर्तमान विधायक और सांसद भी आकर चले गए, फिर भी नहीं बन पाया। और अभी चुनाव आने के कारण विधायक सिर्फ शिलान्यास करते जा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर तनिक भी ध्यान नहीं है। इसलिए इस बार हम सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करने का सोच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। खड़ा हूँ खानपुर प्रखंड के शादीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में, और यहाँ आप देख सकते हैं क्या समस्या है। ये रोड लगभग 10-12 साल से इसी टाइप का है, जो ज़्यादातर पत्थर टूटा हुआ है। लोगों का आना जाना बंद है, एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम बंद है। अभी एक बार जो है सो ट्रीटमेंट हुआ था, इसका हल्का फल्का हुआ, उसका देख ही रहे हैं रूप रंग। सुशील मोदी जी भी एक बार उद्घाटन करने के लिए पुल पर आए थे, शादीपुर का पुल पर, तो यहाँ से इतना होके गए देकर, इतना पानी जहाँ पानी लग जाता है पूरा, और गिरने पड़ने का कार्यक्रम चलता रहता है। जितने भी आदमी आते हैं, आप लोगों ने समस्या के बारे में उनको बताया नहीं? सबको बताया हुआ, विधायक जी मुन्ना मंडल जी की जा के बताए, वो बार बार यही आश्वासन दे रहे हैं तब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अभी तक तो इलेक्शन आ गया, लेकिन अभी तक तो नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता है। कहता था आरओ का रोड है, आरओ का रोड है, किसका रोड है, किसको देखने वाला है, यहाँ से लेकर के आपको यही दशा मिलेगा, पूरा नरक देश है। यहाँ कोई कपड़ों में आ जाता है, किस तरह से दुर्घटना होता है बार बार, यहाँ देखिए आप चौक गए यहाँ सिर्फ आश्वासन दिया जाता है पब्लिक को कि रोड बनाया जाएगा, आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन कुछ होता है नहीं। हमारे साथ यहाँ भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं क्या कारण है कि रोड नहीं बन पा रहा है और क्या स्थिति। लेकिन सर मुन्ना मंडल उस दिन आया था, वो बोला क्या ये रोड को हम बनाएंगे, रोड को उद्घाटन भी करके वो चला गया तो उसमें क्या हुआ, मैन बीच रोड से वो चिरा नाला चला पानी टंकी के लिए, वो भी क्या हुआ, पानी टंकी तो बनिए रहा है मगर रोड जो पूरा जो का तो रोड पड़ा हुआ है। हमको अरमान है कि यही बात अच्छी है, एजुकेशन है कि हम वही बात मतलब बोलने का चाहते वो बात हम बोल दिए हैं। ये जो सड़क है, ये सड़क जुड़ती है शादीपुर को समस्तीपुर से, दूसरा से अगर आप इस तरफ जाइएगा तो इधर दूसरा पड़ता है सड़क, मुख्य मार्ग है शादीपुर जिला से भी जुड़ती है और दूसरा से भी जुड़ती है। और यहाँ का स्थिति आप देखिए, कम से कम यहाँ से इधर जाइए पूरा टूटा हुआ, इधर भी पूरा 1.5-2 किलोमीटर के अंदर आप पता नहीं चल रहा सड़क किधर, तालाब है या सड़क, कुछ पता नहीं चल रहा। उनको कहना है जो वहाँ जो घाट पर बना है ना रोड, उस रोड के मुताबिक इस रोड को पूरा बनेगा तब ये यहाँ का सुविधा होगा, नहीं तो यहाँ कितना आदमी खून हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। कितने लोग यहाँ से आते जाते होंगे दिन भर में? दिन भर में 50-60 आदमी जाते आते हैं, मेन रोड है ना, हजारों लोग जाते हैं आते हैं, गांव घर का आदमी जाता आता है, घर से निकलना भी मुश्किल है। क्या मतलब ये रोड जो है कहाँ से इधर कहाँ से आ रही है और इधर आगे कहाँ जा रही है? यहाँ बाघूपुर से आएगी या चली जाएगी समस्तीपुर, डायरेक्ट मेन रोड है। इस रोड को कोई देखने वाला नहीं है, विधायक है मुन्ना मंडल जी, वो भी आए हैं 2-4 दिन पहले उद्घाटन किए हैं, लेकिन उनको भी हम लोग कहे हैं बताए हैं तो कहें जो होगा, नल जल का योजना जो सरकार दिया है वो जो रोड को तोड़ करके बर्बाद कर दिया है, किसी को पाइप नहीं दिया है, 5 मीटर का पाइप दिया है, 5-4 मीटर जो पूरा पाइप रोड पर पानी गिरेगा, कहाँ जाएगा पानी, जाने का
वार्ड सदस्य के मार्फत हुआ तो 25 फीट 30 फीट 35 फीट काट दिया गया चोटी का। और ये जो है सो ठीका पर ठीका लिया है शंभू चौधरी, और 5 मीटर 4 मीटर का टुकड़ा लगाता है मनमाना, पूरे गांव का रोड तोड़ करके आदमी को चलने लायक रोड नहीं है। सरकार का कोई यहाँ पर फायदा वाला काम नहीं हो रहा है, सबका फायदे वाला काम हो रहा है। सरकार इतना पैसा खर्चा क्यों करता है? 18 लाख रुपया जो वार्ड सदस्य को मुखिया के माध्यम से मिला उसमें 35 फीट का पाइप दिया गया, और जिस उबड़ी का 36 लाख रुपया कीमत है उसमें 4 मीटर का मिलता है। कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है, क्या कोई प्रावधान है? तो ईश्वर अभी इलेक्शन आ रहा है तो आप लोग इलेक्शन इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन हम लोग नहीं देंगे वोट जब तक हमारा काम फाइनल होगा, हमारा गाँव में रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे, सब आदमी के विचार से बहिष्कार करेंगे।